हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट को। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है, वो सबसे पहली बात तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स शो करते हैं, राइट। और पी ब्लॉक में भी हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट एग्जिबिट करते हैं, लाइटर पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करते हैं, राइट। तो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड से। यहाँ से हम देख सकते हैं फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पीरियड, और मैक्सिमम होता है सिक्स पीरियड एलिमेंट्स पे, मैक्सिमम एट सिक्स पीरियड। बेसिकली सिक्स पीरियड वाले जो एलिमेंट्स हैं, थैलियम, लेड और बिस्मिथ, ये मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, जैसे इस केस में +3, इस केस में +4, इस केस में +5, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। इसे ही हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी, टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे, बेसिकली अगर हम थैलियम की बात करें तो थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू +3। इसी तरह से लेड जो है वो +2 में ज्यादा स्टेबल होगा +4 से। इसी तरह से बिस्मिथ +3 स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू +5। तो ये होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि सिडविक ने एलिमेंट्स को ना कैटेगराइज किया दो कैटेगरीज में, वो एलिमेंट्स जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं और वो एलिमेंट्स जो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। अब जो एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसका क्या मतलब है कि उसके बॉन्डिंग में NS और NP दोनों इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन हो रही है। बेसिकली मीन्स कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वो बढ़ जाती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स का क्या मतलब है, वो एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जिसमें NS इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिसमें सिर्फ NP इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, राइट। तो वो जो एलिमेंट्स है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो NS इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। कब होते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं NS इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ NP इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर हम इसको समराइज करें तो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है उसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती हैं वो ज्यादा स्टेबल हो जाती हैं, क्योंकि इनर्ट पेयर नाम से पता चल रहा है कि एक पेयर, कौन सा पेयर, NS का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इनर्ट मींस इनएक्टिव हो गया। और कब होगा, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसी की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं हमारी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। तो अब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर की, उससे पहले एक दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होते हैं ना वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं, मैक्सिमम होते हैं सिक्स पीरियड पे, ये तो ठीक है। अब जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से, और सिक्स पीरियड के एलिमेंट्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से। बस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम स्टेबिलिटी ऑर्डर कर सकते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड, सबसे पहली बात, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स शो करते हैं। दूसरी बार, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है उसमें डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो वो जो मैक्सिमम शो होता है ना वो सिक्स पीरियड में शो होता है, यानी कि सिक्स पीरियड के एलिमेंट्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ के लिए स्टिल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज्यादा स्टेबल है, राइट। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। देखो, सपोज हमारे पास ना ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 में फोर्थ पीरियड में आता है गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। अब अगर मैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं और एक बार मैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं,
तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, प्लस थ्री की बात करें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. तो ये हमारे पास हो गया इनवर्ट पेयर इफेक्ट. इसी तरह से अगर मैं ग्रुप 14 पे अप्लाई करूं तो ग्रुप 14 में हमारे पास आता है जर्मेनियम, टिन और लेड. ये दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, प्लस टू और प्लस फोर, प्लस टू और प्लस फोर. अगर मैं बात करूं प्लस टू स्टेट की तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ेगी. सिमिलरली अगर ये प्लस फोर की बात करें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी. सिमिलरली अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो हमारे पास होता है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ. ये भी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी. तो यही है हमारे पास इनवर्ट पेयर इफेक्ट, जिसका पूरी समरी यहाँ पे लिखी हुई है. पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और वो भी हमारे पास हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये हमारे पास है कि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं. यहाँ से देख सकते हैं ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है. फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की जो है हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं, सिक्स्थ पीरियड की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है. किसी भी केस में हम इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा. राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, एक्सप्लेनेशन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. कि ऐसा क्यों होता है, क्यों लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है. तो इसकी एक्सप्लेनेशन यही है बेसिकली कि एनएस के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने में जो एनर्जी चाहिए एनएस के इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि जो देखो अगर हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो एनएस के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है. राइट, जिसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी. तो बहुत ज्यादा एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए होती है एनएस के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने के लिए. और ये जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो एनर्जी रिलीज होती है जब दो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बनते हैं. एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू एक्स्ट्रा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, व्हेन टू एक्स्ट्रा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. और इसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी. जो ऊपर बात की थी अनपेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी. तो ये जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई जब दो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बने. अगर हम इसको समराइज करें तो देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो शो तभी हो सकते हैं जब हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तब होंगे ना जब हमारे पास, देखो हमारे पास एनएस और एनपी तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हमने अगर सिर्फ एनपी इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन हो रही है, एनएस टू जो है वो एज इट इज पड़ा है, इसका मतलब है कि वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. अगर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसका मतलब वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. और दोनों के पार्टिसिपेशन के लिए देखो अगर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एनएस को अनपेयर होना पड़ेगा, तभी यहाँ पे सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा. तो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू इसको अनपेयर करने में जो एनर्जी यूज हो रही है. इस वजह से जो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एनएस जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनकी एक्साइटेशन एनर्जी बढ़ती जाती है. राइट, तो ये रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट का. नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. Applications of inert pair effect. सबसे पहले application की बात करें तो suppose मेरे पास कोई compound है TL thallium का, TlCl3. अब अगर मैं बात करूँ ये इस तरह से ionize नहीं होगा, इस तरह से आयोनाइज नहीं होगा बिकॉज हमने अभी देखा है जो थैलियम है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी लेस स्टेबल होती है. तो ये किस तरह से आयोनाइज होगा, ये होगा थैलियम पॉजिटिव प्लस Cl3 नेगेटिव. ये इस तरह से इसकी आयोनाइजेशन होगी, इस तरह से इसकी आयोनाइजेशन नहीं होगी. रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट क्योंकि ये सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है, ये सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा ज्यादा कंफर्टेबली. इस वजह से प्लस थ्री में तो बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा, प्लस वन में स्टेबल होगा और इसी में आयोनाइज होगा. राइट, सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो सपोज हमारे पास जो है GaCl2 है,
गैलियम डाइक्लोराइड। अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें लग रहा होगा देखने में कि गैलियम जो है वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट ऐसा नहीं है। गैलियम कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? गैलियम हमारे पास ग्रुप 13 का एलिमेंट है, और ग्रुप 13 के एलिमेंट प्लस वन और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो प्लस टू तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है ही नहीं। तो गैलियम जो है, गैलियम डाइक्लोराइड, ये इस तरह से ना एग्जिस्ट करके डाइमराइज हो जाता है, जिसे हम लिख सकते हैं Ga2Cl4। और Ga2Cl4 को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, GaCl और GaCl3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है। तो GaCl2 में अगर पूछा जाए गैलियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो प्लस टू तो डेफिनेटली नहीं है, डाइमराइज होके एग्जिस्ट करता है, जिस जो कि दो फॉर्म्स में बेसिकली जो GaCl2 होते हैं डाइमराइज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन, मीन्स दो गैलियम है ना डाइमराइज फॉर्म में, दो गैलियम है, एक के ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है, एक के ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है। तो ये इसकी सेकेंड एप्लीकेशन होगी। थर्ड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो सपोज मेरे पास एक तरफ टिन प्लस टू है। अब टिन जो है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? ग्रुप 14 को बिलोंग करता है। और कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ पीरियड को शो करता है। और हमें पता है फिफ्थ पीरियड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मैं टिन प्लस टू और प्लस फोर की बात करूं, तो ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम ये कह सकते हैं ना कि देखो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में हायर ऑक्सीडेशन से ज्यादा स्टेबल होती है, तो टेन प्लस फोर ज्यादा स्टेबल होगी, तो टेन प्लस टू जो है वो इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा। कैसे कन्वर्ट होगा? अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके होगा। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये बिहेव कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां से हम बता सकते हैं कि कौन सा जो आयन है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, कौन सा कंपाउंड आयन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, कौन सा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिमिलरली हम इसे सेम स्टेप्स पे कह सकते हैं, अगर मैं लेड प्लस टू और लेड प्लस फोर की बात करूं, तो जो यहाँ पे जो लेड है वो कौन से, ये सिक्स पीरियड का एलिमेंट है, और सिक्स पीरियड जो एलिमेंट होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू हायर। तो प्लस फोर प्लस टू में जाना चाहेगा, क्योंकि प्लस टू जो है वो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसे होगा? ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके होगा। सिंस ये दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, राइट? तो यहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब हम इसको समराइज करते हैं। समरी क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट की? इनर्ट पेयर इफेक्ट की, तो देखो शो करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से पी ब्लॉक एलिमेंट्स? हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हैवियर में भी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पीरियड वाले ही जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करते हैं। अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन से ज्यादा स्टेबल होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से, और सिक्स पीरियड के एलिमेंट्स के लोअर ऑक्सीडेशन से ज्यादा स्टेबल होते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपेरिजन में। तो ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके बेस पे हमने एप्लीकेशन देख ली, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख ली कि इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है। रीजन है कि NS के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो अनपेयर नहीं हो पाते। NS जो है वो NS2 के फॉर्म में ही रह जाता है, ये अनपेयर नहीं हो पाते, क्योंकि अगर ये अनपेयर होगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और डाउन द ग्रुप ये अनपेयर नहीं हो पाते, क्योंकि इनकी एक्साइटेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कि एनर्जी रिलीज व्हेन टू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, एनर्जी रिलीज व्हेन टू एक्स्ट्रा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। क्योंकि अनपेयर होंगे तो दो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बनेंगे, अब अनपेयर ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनकी एक्साइटेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, राइट ना? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एक्साइटेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमने इसके एप्लीकेशंस भी देख ली, सारा कुछ देख लिया। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आज की वीडियो क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।